फोर्थ आज मैं एक्सरसाइज 6 फिल करती हूँ। ओके, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 5 आप लोगों को फिल कराई थी। ये भी आप उनका चैप्टर 3 एंड नाउंस है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको क्लियर भी किया था कि कॉमन नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है। आई होप आप लोगों ने उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। आज आपका है कलेक्टिव नाउन। ओके, काइंड्स, नाउन्स के कितने काइंड्स होते हैं? 5 काइंड्स होते हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 काइंड्स होते हैं। और कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन तो आपको क्लियर हो गया होगा क्योंकि पहले वाले वीडियो में मैंने उसको एक्सप्लेन किया था। आज आपका कलेक्टिव नाउन है, बट इस एक्सरसाइज को करने से पहले आप थोड़ा कलेक्टिव नाउन क्या होता है वो समझ लीजिए। अब देखिए कलेक्टिव नाउन क्या होता है। हर एक किसी का समूह होता है, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो या वस्तु हो। ओके, सभी का समूह होता है। अब यहाँ पे जो डेफिनेशन दी है, नेम्स फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल एनिमल्स और थिंग आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। लोगों के समूह को, एनिमल्स के, जानवरों के समूह को, वस्तुओं के समूह को नाम को क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अभी ये जो एक्सरसाइज है ये आपकी इसी कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड है। ओके, ये जो साइड में है ये सारे क्या हैं? कलेक्टिव नाउन्स हैं। और आपको इनको, ये जो कॉमन नाउन्स हैं, इनसे मैच करना है। ओके, सो लेट्स बिगिन, हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट देखिए सेट। ओके, अभी देखिए ये सेट है, ये ऑलरेडी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका, डन हो चुका है। तो ये जो मैच इन्होंने किया है, सेट किसका सेट होता है? टूल्स का, सेट ऑफ टूल्स। तो ये यहाँ पे हो गया, मीन्स जो टूल्स होते हैं ना, औजार, उनका जो कलेक्शन होता है उसके लिए सेट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए बैंड। अब देखिए बैंड किसके साथ मैच करेंगे आप? बैंड ऑफ म्यूजिशियन, जो म्यूजिशियन यानी जो संगीतकार होते हैं उनका जो बैंड होता है उसको क्या, सॉरी, उसके समूह, उसका जो समूह होता है म्यूजिशियन का, उसको बैंड कहते हैं। तो ये बैंड को किससे मैच कर दिया? म्यूजिशियन से। तो यहाँ पे मैंने राइट कर दिया बैंड ऑफ म्यूजिशियन। गैंग देखिए, जनरली गैंग किसके लिए यूज होता है? थीप्स के लिए यूज होता है, रॉबर्स के लिए, थीप्स चोरों के लिए, रॉबर्स डाकुओं के लिए। तो यहाँ पे गैंग है, अभी यहाँ पे देखिए ये रॉबर्स दिया है, इससे मैच कर दिया है गैंग ऑफ रॉबर्स। तो ये यहाँ पे मैंने राइट कर दिया गैंग ऑफ रॉबर्स। ओके, नेक्स्ट देखिए ट्रूप। ट्रूप भी एक मंडली होती है, ठीक है, सिंगर्स की मंडली होती है, डांसर्स की मंडली होती है। तो ये ट्रूप किससे मैच करेंगे? यहाँ पे देखिए कॉमन नाउन दिया होगा, कहाँ है, वेयर, यहाँ पे डांसर्स दिया है। तो ट्रूप को किससे मैच हो जाएगा? ट्रूप ऑफ डांसर्स, ये मैंने यहाँ पे राइट कर दिया ट्रूप ऑफ डांसर। ओके, नेक्स्ट है फ्लीट। अभी देखिए फ्लीट, फ्लीट किसके लिए आता है? जहाज जो होते हैं, पानी वाले जहाज, उनकी जो कतारें होती हैं, जो बेड़ा होता है, उसे क्या कहते हैं? फ्लीट, यानी जो नाव होती, पानी के जहाज होते हैं, उनका जो कलेक्शन होता है, उसका समूह होता है, उसको किससे मैच करेंगे? सिप्स से। तो फ्लीट ऑफ सिप्स। ओके, ये मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है हेयर। बुके, अभी देखिए बुके, बुके किस फ्लावर्स के लिए यूज होते हैं? गुलदस्ता, फूलों का गुलदस्ता। तो यहाँ पे देखिए फ्लावर्स है, ये इससे मैच कर दिया बुके ऑफ फ्लावर्स। तो ये बुके ऑफ, सॉरी यहाँ पे मैंने राइट नहीं किया, बुके ऑफ फ्लावर्स। ओके, नेक्स्ट देखिए टीम। टीम को किससे मैच करेंगे? प्लेयर से, टीम ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों का जो टीम होती समूह, उसे क्या कहते हैं? प्लेयर्स ऑफ टीम, टीम ऑफ प्लेयर्स। क्राउड, अभी देखिए क्राउड यानी भीड़, तो भीड़ को किससे मैच करेंगे? पीपल से, क्राउड ऑफ पीपल मीन्स लोगों की भीड़, यहाँ पे मैंने राइट कर दिया टीम ऑफ प्लेयर्स, क्राउड ऑफ पीपल। नेक्स्ट पैक। ओके, पैक कहाँ जाएगा? कार्ड्स के लिए, जो कार्ड्स होते हैं, पैक ऑफ कार्ड्स। ओके, इसके लिए जो कार्ड्स का कलेक्शन होता है उसके लिए पैक का यूज़ करते हैं, यहाँ पे मैंने राइट कर दिया पैक ऑफ कार्ड्स। ओके,
फ्लाइट, अभी फ्लाइट देखिए, फ्लाइट भी क्या होती, कतारें होती हैं। अब ये किसकी कतारें होती हैं, फ्लाइट स्टेयर्स यानी सीढ़ियों की, जो सीढ़ियाँ होती हैं ना घरों में होती हैं, बिल्डिंग्स में होती हैं, स्टेयर्स में वो जीने होते हैं जो घरों में, उनके लिए स्टे फ्लाइट का यूज़ करें, फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, तो फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। ओके, ये मैंने यहाँ राइट कर दिया है। आप लोग को भी क्या करना है, अकॉर्डिंग टू माई एक्सरसाइज यू हैव टू डू। ओके, मेरे एक्सरसाइज के अनुसार आपको भी करना है। ओके, ये मैच करके करिए।